आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा के शाश्वत स्वरूप से साक्षात्कार करने के लिए इस विशेष योग निद्रा में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आराम से शवासन में लेट जाएं, पीठ के बल पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें, हाथ शरीर के बगल में। हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर रखें। एक बार अपने आप को अच्छे से व्यवस्थित कर लें ताकि योग निद्रा के अभ्यास के समय किसी भी प्रकार की शारीरिक असुविधा ना हो और आप स्थिर रह सकें। कोशिश करें कि पूरे अभ्यास के समय शरीर को हिलाना डुलाना ना पड़े। केवल सुनने और अपने अनुभवों के प्रति जागरूक रहना है। एक आखिरी बार अपने पूरे शरीर को जांच लें और जरूरत के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लें। शरीर के किसी भी भाग में तनाव या खिंचाव ना हो। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपने आप से कहें, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं। योग निद्रा एक साइकिक स्लीप। जब आपका शरीर सो जाता है लेकिन मानसिक रूप से आप जागृत रहते हैं, पूरी तरह से जागृत। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे निर्देशों को सुनते जाना है और जैसा जैसा कहा जाए करते जाना है। जो भी आपके अनुभव हैं उन्हें महसूस करते जाएं। किसी भी बात को ना तो जज करें ना उसका विश्लेषण करें, बस साक्षी बनना है आज के इस अभ्यास के अनुभवों का। आज की विशेष योग निद्रा न सिर्फ आपको मानसिक शांति देगी बल्कि आपका मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठेगा। आइए शुरुआत करते हैं।
एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। इस सांस के साथ शरीर में आए आराम को महसूस करें। पूरे शरीर की तरफ ध्यान लगाएं। शरीर के हर भाग को रिलैक्स कर दें। पूरा शरीर एकदम आराम की स्थिति में। आपका चेहरा, आंखें, कंधे, दोनों हाथ, आपका सीना और पेट एकदम रिलैक्स। पूरी पीठ बिल्कुल आराम की स्थिति में। दोनों पैर एकदम ढीले। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला और रिलैक्स। एक बार फिर लंबा गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। महसूस करें हर आने वाली सांस के साथ आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं और हर जाने वाली सांस आपके सारे तनाव और चिंताओं को बाहर ले जा रही है। सामान्य सांसें लेते रहें। मन की आंखों से अपने आप को सांस लेते हुए देखें। आपकी सांसें नाभि से शुरू होती हैं, यानी नेवल एरिया, और दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र तक जाती हैं और वापस आज्ञा चक्र से नाभि तक लौट आती हैं। देखते रहें अपनी सांसों को आते और जाते हुए। ऐसी कल्पना करें ये सांस एक सुनहरी किरण के रूप में दिखाई दे रही है। ये सुनहरी किरण आपकी नाभि से आज्ञा चक्र तक जाती है और आज्ञा चक्र से वापस नाभि तक आ जाती है।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। जब आप सांस भरते हैं, मन ही मन कहें ओम। जब आप सांस छोड़ते हैं, फिर से कहें ओम। मानसिक रूप से हर सांस के साथ ओम का उच्चारण करते रहें। इन सांसों के साथ आपका मन शांत होता जा रहा है, ऐसा महसूस करें। अब समय है एक संकल्प लेने का, एक पॉजिटिव और छोटा संकल्प जो सीधे आपके अवचेतन मन की गहराई में उतर जाएगा। अपने संकल्प को पूरे विश्वास के साथ मन ही मन 3 बार दोहराएं। अब आपको अपनी चेतना को पूरे शरीर पर घुमाना है। जिस भाग का नाम सुने, ध्यान उसी भाग पर ले जाएं। एक भाग से दूसरे भाग तक ध्यान को घुमाते जाएं। दाएं हाथ के अंगूठे की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली। दाएं हाथ की हथेली, हथेली के पीछे का भाग, दाएं कलाई, कोहनी, आगे की भुजा और कोहनी के पीछे की भुजा, दायां कंधा, पूरा दायां हाथ, पूरे दायें हाथ की तरफ ध्यान लगाएं और मन ही मन कहें ओम। दाई बगल, दाई कमर, नितंब, दाई जंघा, घुटना, पिंडली, दाया टखना, दाई एड़ी, दाई पैर का तलवा, दाई पैर का पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, शरीर का पूरा दायां भाग, पूरे दाएं भाग की ओर ध्यान लगाएं और मन ही मन कहें
धीरे से अपना ध्यान बाएं हाथ की तरफ ले आए। बाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाईं हथेली और हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी के आगे की भुजा और पीछे की भुजा, बायां कंधा, पूरे बाएं हाथ की तरफ ध्यान लगाएं और मन ही मन कहें ओम। बाई बगल, बाई कमर, नितंब, जंघा, बायां घुटना, पिंडली, बायां टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा और पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा बायां भाग, शरीर के पूरे बाएं भाग की तरफ ध्यान लगाएं। पूरा बायां भाग और मन ही मन कहें ओम। अब अपना ध्यान शरीर के पिछले भाग की तरफ ले जाएं। सिर की तरफ ध्यान लाएं। सिर का पिछला भाग, दाएं कंधे के पीछे का भाग, बाएं कंधे के पीछे का भाग, पूरी पीठ, पूरी रीढ़ की हड्डी, दायां नितंब, बायां नितंब, दाई जंघा के पीछे का भाग जो जमीन को छू रहा है, बाई जंघा के पीछे का भाग, दाएं घुटने के पीछे का भाग, बाएं घुटने के पीछे का भाग, दाई पिंडली के पीछे का भाग, बाई पिंडली का पिछला भाग, दाई एड़ी का पीछे का हिस्सा, बाई एड़ी के पीछे का हिस्सा, शरीर का पूरा पिछला भाग, शरीर के पिछले भाग की तरफ ध्यान लगाएं और मन ही मन कहें ओम। अब ध्यान को शरीर के सामने के भाग की तरफ ले जाएं। आपका माथा, दाई भौंह, बाई भौंह, दोनों भौंहों के बीच का स्थान, नाक, दायां नॉस्ट्रिल और बायां नॉस्ट्रिल, दायां गाल, बायां गाल, दाहिना कान और बायां कान, अपने होठों की तरफ ध्यान लाएं। ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ, दोनों होंठ जहां मिल रहे हैं, मुंह के अंदर का भाग, मुंह के अंदर ध्यान ले जाएं।
दांत, जबड़े, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, दाएं गाल के अंदर का भाग, बाएं गाल के अंदर का भाग, जीभ की तरफ ध्यान लाएं, ठोड़ी, गला, सीने का दायां भाग और बायां भाग, पेट, पेट के ऊपर का भाग, पेट के नीचे का भाग, पेट का दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा, पूरी कमर और कमर का निचला भाग, पेल्विस रीजन, दाईं जांघ के सामने का हिस्सा, बाईं जांघ के सामने का हिस्सा, दाईं घुटने के सामने का भाग, बाएं घुटने के सामने का भाग, दाईं पिंडली के सामने का हिस्सा और बाईं पिंडली के सामने का हिस्सा, दाईं एड़ी और बाईं एड़ी, पूरा तलवा, दायां पंजा और बायां पंजा, पूरा सामने का भाग, शरीर के पूरे सामने के भाग की तरफ ध्यान लगाएं और मन ही मन कहें ओम। पूरा दायां पैर ओम। पूरा बायां पैर ओम। दोनों पैर एक साथ ओम। पूरा दायां हाथ ओम। पूरा बायां हाथ ओम। दोनों हाथ एक साथ ओम। पूरा पीछे का भाग ओम। पूरा सामने का भाग ओम। गर्दन और चेहरा ओम। सिर की तरफ ध्यान ओम। पूरा शरीर 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 ओम। आपका पूरा शरीर आराम कर रहा है। अपने आप को याद दिलाएं, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं। आपकी सांसें चल रही हैं, नाभि से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से नाभि तक। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें, दोनों भावों के बीच। बहुत तेजी से ध्यान नहीं लगाना है, आज्ञा चक्र पर एक चमकते हुए प्रकाश बिंदु को देखें। एक सफेद चमकीला प्रकाश बिंदु, इस प्रकाश की चमक हर सांस के साथ और बढ़ती जाती है।
आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए 27 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करें। सांसों को गिनना शुरू करें। अगर बीच में गिनती भूल जाएं या 1 तक पहुंच जाएं, तो चिंता ना करें, फिर से 27 से शुरू कर दें। गिनती के साथ ओम का जाप करते जाएं। सांस अंदर 27, ओम। सांस बाहर 27, ओम। सांस अंदर 26, ओम। सांस बाहर 26, ओम। सांसें लेते रहें, गिनते रहें, ओम का जाप करते रहें।
रिलैक्स। अब अपना ध्यान आंखों के सामने फैले काले पर्दे की तरफ ले जाएं। इस चिदाकाश पर अपने आप को योग निद्रा का अभ्यास करते हुए देखें। आपका शरीर लेटा हुआ है, देखते रहें अपने ही शरीर को आराम करते हुए। आपके ठीक ऊपर खुला आसमान है, टिमटिमाते हुए तारों से भरा खुला आसमान। बीचों बीच चमकता हुआ एक बड़ा सा चांद, एकदम गोल और चमकदार। चांद की शीतल चांदनी आपके शरीर पर गिर रही है। सफेद शीतल निर्मल चांदनी। आसमान में लाखों सितारे हैं, छोटे बड़े, कम चमकीले ज्यादा चमकीले अनेक सितारे। देखते रहें। हल्की हल्की हवा चल रही है, हवा का हल्का सा झोंका आपके शरीर को, आपके चेहरे को छूता हुआ जा रहा है। महसूस करें हवा की ताजगी को अपने चेहरे पर। ये अनुभव बहुत शांति देने वाला है। ऊपर दूर दूर तक फैला आसमान, इस आसमान में एक तारा बहुत विशेष दिखाई दे रहा है। देखें अपने मन की आंखों से इस बड़े और ज्यादा चमकीले तारे को। पूरे आसमान में यही एक तारा ज्यादा बड़ा और चमकीला है। महसूस करें इस बड़े तारे से निकलने वाला प्रकाश आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच रहा है। एकदम साफ साफ देखें एक सफेद चमकीली प्रकाश के किरण जो इस तारे से निकलकर आपके माथे के बीचों बीच प्रवेश कर रही है। महसूस करें माथे के बीचों बीच ऊर्जा के प्रवाह को।
ये प्रकाश आपके अवचेतन मन की गहराई तक पहुंच रहा है। हर सांस के साथ ये रोशनी की किरण आपके मन में और गहरे उतरती जा रही है। जैसे एक काले अंधेरे कुएं में रोशनी की किरण दिखाई देती है और सारा अंधेरा दूर होने लगता है, ठीक वैसे ये दिव्य प्रकाश आपके मन के अंधकार को दूर कर रहा है। महसूस करें आपका मन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरता जा रहा है। हर सांस के साथ ये रोशनी, ये दिव्य प्रकाश आपके मन की गहराइयों तक उतरता जा रहा है। इस प्रकाश में आप अपने दिव्य स्वरूप को पहचान पा रहे हैं। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्तियां जागृत हो रही हैं। महसूस करें अपने भीतर छिपी ताकत को। ये प्रकाश की किरणें आपके भीतर की सारी नकारात्मकता को दूर कर रही हैं। आप ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। एनर्जी के वाइब्रेशंस को फील करें। अपने उस सूक्ष्म स्वरूप को महसूस करें जो निराकार है। ज्ञान के इस प्रकाश में आप अपने असली स्वरूप को देख पा रहे हैं। इस भौतिक शरीर से परे आप अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को
महसूस कर रहे हैं। आप आज ये अनुभव कर पा रहे हैं कि ना ये शरीर आपका है, ना आप इस शरीर के हैं। ये शरीर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से बना है और इसी में मिल जाएगा। सिर्फ आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी आत्मा स्थिर है। वो आत्मा जिसे न कोई शस्त्र काट सकता है, जिसे न कोई आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। ये आत्मा अजर अमर है, ये आत्मा शाश्वत है। यही आपका असली स्वरूप है। अपने इस आत्म स्वरूप को पहचाने और अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित कर दें। ये समर्पण भाव आपको हर डर, चिंता और दुख से मुक्त कर देगा। आपका अंतर्मन ज्ञान और शांति के प्रकाश से भरता जा रहा है। महसूस करें इस परम शांति को पूरे शरीर में। अपने हर अच्छे और बुरे कर्म को समर्पित कर दें उस सर्वशक्तिमान को। ये समर्पण भाव आपको असीम आनंद का अनुभव दे रहा है। आप जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव कर पा रहे हैं।
इस अनुभव के साथ बने रहें जब तक आपका मन चाहे। इसी आनंद की अवस्था में बने रहें और योग निद्रा की शुरुआत में लिए गए संकल्प को दोहराएं। वही शब्द, वही भाषा, वही विश्वास। इस संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराएं। रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को फिर से अपने शरीर की ओर ले आए। महसूस करें अपने पूरे शरीर को। मन की आंखों से चारों ओर के वातावरण को देखें। अपनी सांसों की तरफ ध्यान लाएं। एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। धीरे से हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और बाईं तरफ करवट ले लें। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहें, आंखें बंद ही रखें। एक और बार लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अब धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें, आराम से बैठें, कोई जल्दी नहीं। आज की इस विशेष योग निद्रा से अपने आप में आए बदलाव को महसूस करें।
हथेलियों को आपस में मलें और धीरे से अपनी आंखों पर रख दें। एक और बार हथेलियों को आपस में मलें और पूरे शरीर पर अपने हाथों को रखें। खास तौर से शरीर के उस भाग पर अपने हाथों को रखें जहां आपको कोई प्रॉब्लम है। हील करें अपने आप को। अब धीरे धीरे जब आपका मन हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंड स्माइल। आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मधु चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।